Okay, so today we are going to discuss optional parameters in web API attribute routing. तो हम आज के इस लेक्चर में जो है वो ये डिस्कस करेंगे कि हम ऑप्शनल पैरामीटर्स जो है वो वेब एपीआई एट्रीब्यूट राउटिंग के अंदर किस तरह से अचीव कर सकते हैं. सो जिस तरह से हम वेब एपीआई के अंदर कन्वेंशन बेस्ड एपीआई जो होती थी हमारे पास कन्फिक, उस कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग जो होती थी उसके अंदर जो है वो हम आईडी को ज़्यादातर ऑप्शनल पैरामीटर रखते थे, ताकि हम अगर आईडी की वैल्यू नहीं भी पास करते थे तब भी हमारे पास जो है एक्शन मेथड रन होते थे. तो वो हम एट्रीब्यूट राउटिंग में किस तरह से अचीव कर सकते हैं, पर इसके लिए पहले आपके पास आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एट्रीब्यूट राउटिंग क्या होती है. सो इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको एट्रीब्यूट राउटिंग के बारे में जो है वो सारी चीज़ें डिफाइन की हैं कि एट्रीब्यूट राउटिंग किस तरह से अचीव करते हैं. एक प्रोजेक्ट सैंपल हमने बनाया था जिसके अंदर हमने एट्रीब्यूट राउटिंग को अचीव करके देखा था. So you can make URI parameter as optional by adding a question mark to the route parameter. If you make a route parameter as optional, then you must specify a default value by using parameter value for the method parameter. ठीक है, तो ऑप्शनल पैरामीटर्स हम जब एट्रीब्यूट राउटिंग के अंदर बनाते हैं तो फिर आपको अगर उसको उस पैरामीटर को आपने ऑप्शनल रखना है तो फिर आप राउट के अंदर यानी उधर आप जो है उस पैरामीटर के साथ क्वेश्चन मार्क जो है वो यूज़ करते हैं. और अगर आपने क्या किया है राउट पैरामीटर को ऑप्शनल बनाया है तो आपके पास जो है वो लाजमी होता है कि आप उसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करें बाय यूजिंग दी पैरामीटर इक्वल टू वैल्यू फॉर दी मेथड पैरामीटर. ठीक है, तो वो किस तरह से करेंगे. सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर लेक्चर जो है प्रोजेक्ट बनाया था उसी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके और फिर देखेंगे कि ऑप्शनल पैरामीटर्स को हम किस तरह से हैंडल करेंगे वेब एपीआई एट्रीब्यूट राउटिंग के अंदर. सो दिस इज़ आवर एप्लीकेशन डेट वी हैव क्रिएटेड इन द प्रीवियस लेक्चर. ठीक है, यानी हमने प्रीवियस जो है उस प्रीवियस जो हमारे पास वीडियो थी उसके अंदर ये हमने क्रिएट किया था. सो अब हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, हम बेसिकली यहाँ पर मैं इस वाले ये जो हमारे पास इंटीजर आईडी वाला है यानी ये जो सिंपल वाला मेथड है जो कि कोई आईडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये वाले मेथड को यहाँ से कमेंट आउट कर रहा हूँ. ठीक है, और इसको कमेंट आउट करने के बाद अब देखिए हमारे पास ये एक मेथड है जो कि हमें एम्प्लॉई की लिस्ट में से वो यूज़र रिटर्न कर रहा है, वो एम्प्लॉई रिटर्न कर रहा है जिसकी आईडी हमें यहाँ पर मिलती है. नाउ हम चाहते हैं कि ये जो पैरामीटर है ना ये ऑप्शनल बन जाए, यानी अगर हम इसको ये प्रोवाइड करें तो ये वर्क करे, अगर प्रोवाइड नहीं करते तो ये वर्क नहीं करे. तो उसके लिए हम एक राउट क्रिएट करते हैं. तो हाउ वी कैन क्रिएट अ राउट, वी कैन क्रिएट अ राउट बाय स्पेसिफाइंग राउट. ठीक है, और यहाँ पे राउट की वैल्यू बता देते हैं. तो लेट्स नेम इट एपीआई इज टू लेट्स एपीआई एम्प्लॉई, सही है. सो एपीआई एम्प्लॉई और देन यहाँ पर आकर हम बोलते हैं आईडी. सो यहाँ पर क्योंकि ये आईडी जो है वो प्लेस होल्डर होगी तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आईडी, उसके बाद यहाँ पर उसकी टाइप इंटीजर एंड देन क्वेश्चन मार्क. ठीक है, सो ये डिक्लेरेशन होती है आपके पास ऑप्शनल पैरामीटर की किसके अंदर, एट्रीब्यूट राउटिंग के अंदर. यानी आपने बोला यहाँ पर हमारे पास आईडी का पैरामीटर है, उसको हम क्या बनाना चाह रहे हैं, ऑप्शनल बनाना चाह रहे हैं. देन हमने इसके साथ एक और पॉइंट पढ़ा था कि जब आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो है पैरामीटर को यहाँ पर ऑप्शनल बना रहे हैं तो ऑप्शनल के साथ साथ आपको इसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी यहाँ पर प्रोवाइड करनी होती है. तो लेट्स कॉल इट, मैंने कह दिया कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ 1. यानी मैंने बोला कि अगर यहाँ से यूज़र वैल्यू नहीं देगा, लेट सपोज अगर यूज़र ने यहाँ पर आईडी की वैल्यू नहीं प्रोवाइड की तो देन डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ आईडी विल बी 1. ठीक है, सो हम यहाँ पर चलते हैं और प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास ये बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा. तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैंने लिखा API employee. सो आप देख सकते हो कि मेरे पास जो मेरी एप्लीकेशन में पहला यूज़र है जो कि जिसका नाम हमने रखा था असद, वो यहाँ पर रिसीव हो गया है. लेकिन अगर मैं यहाँ से 1 भी पास करता हूँ तो अभी भी अगेन वर्क कर रहा है. ठीक है, क्योंकि अब हमने पैरामीटर पास किया है.
अब मैं यहाँ पे पास करता हूँ 3। आप देख सकते हो मुझे थर्ड वाले एम्प्लॉय की आईडी जो है ना यहाँ पर मिल रही है। तो अब आपने देखा कि हमने क्या किया है, यहाँ पर इस पैरामीटर को ऑप्शनल बना दिया है इस राउट के अंदर। यानी अगर हम एपीआई एम्प्लॉय लिखेंगे तब भी ये मेथड रन होगा, ठीक है, और अगर हम जो है उसके साथ वैल्यू पास कर देंगे तो तब भी रन होगा। लेकिन जब भी हम जो है एक पैरामीटर को ऑप्शनल बनाएंगे, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पास द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर दैट पैरामीटर इन द एक्शन मेथड। तो एक्शन मेथड के अंदर जो है हमने उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट भी करनी होती है, ठीक है। तो हम इस तरह से जो है ना ऑप्शनल पैरामीटर्स क्रिएट कर सकते हैं एट्रीब्यूट राउटिंग के अंदर। So this is the same example that we have covered in our project, but here you can see there is a student controller. Here we have an API हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद स्लैश स्टूडेंट, उसके बाद हमने बोला स्टूडेंट आई डी कॉलन इंटीजर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट की हुई है 1। देन यहाँ पर आते हैं कि हम इस एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज ऑलमोस्ट द सेम एज द प्रीवियस एग्जाम्पल, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन द बिहेवियर व्हेन द डिफॉल्ट वैल्यू इज अप्लाइड। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर द डिफॉल्ट वैल्यू इज 1 डायरेक्टली असाइन टू द एक्शन मेथड पैरामीटर, सो दैट पैरामीटर विल हैव दिस वैल्यू एग्जैक्टली। यानी अगर फर्स्ट एग्जाम्पल में जब हमने जो वैल्यू पास नहीं की थी तो डिफॉल्ट वैल्यू उसको डायरेक्टली असाइन हो गई थी, किसको, आपके एक्शन मेथड के पैरामीटर को। तो आपका जो मेथड पैरामीटर था उसके पास ये वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पर मिल गई थी। लेकिन जब हमने सेकंड एग्जाम्पल के अंदर आईडी पास की 1, द डिफॉल्ट वैल्यू 1 इज असाइन टू द मेथड पैरामीटर थ्रू द मॉडल बाइंडिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास असाइन हुई है वो मॉडल बाइंडिंग प्रोसेस के थ्रू हुई है। द डिफॉल्ट मॉडल बाइंडर इन वेब एपीआई विल कन्वर्ट द वैल्यू 1 टू द न्यूमेरिक वैल्यू 1। और आपका जो मॉडल बाइंडर है, डिफॉल्ट मॉडल बाइंडर है, ये क्या करेगा, जो वेब एपीआई के अंदर आपको पैरामीटर के अंदर वैल्यू रिसीव हुई है उस वैल्यू को न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस अनलेस यू हैव कस्टम मॉडल बाइंडर्स इन योर पाइपलाइन द टू फॉर्म्स विल बी इक्विवेलेंट। यानी अगर आपके पास मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर अगर आपने जो है अपना कस्टम मॉडल बाइंडर पाइपलाइन के अंदर नहीं बनाया है तो आपके पास ये दोनों जो है फॉर्म्स विल बी इक्विवेलेंट, यानी ये जो फॉर्म्स हैं दोनों इक्विवेलेंट हैं, ऑलमोस्ट सेम ही हैं। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने ऑप्शनल पैरामीटर्स को डिस्कस करने की कोशिश करी। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।